जिसके लिए टाइगर श्रॉफ जी यहाँ पे आए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उनके हाथों से उद्घाटन हो रहा है। एमएलए अमित सातम जी भी यहाँ हैं, हमने इसको एक साल कंसेप्चुलाइज किया है और बनाया है। ऐसे बहुत सारे पब्लिक कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन हमने किए हैं और पब्लिक आर्ट को जनता तक लाना और उनको खाली म्यूजियम और गैलरीज तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, यही हमारा मेन एम है। थैंक यू। थैंक यू सर। आप क्या कहेंगे आज के उद्घाटन की आपने? आज के लिए आप क्या बोलेंगे? थैंक यू सर। आप क्या कहेंगे उद्घाटन की आपने? मुझे बुलाया गया सर ने, आनंद जी ने, वेरी वेरी हैप्पी टू बी इनॉग्रेट दिस ब्यूटीफुल स्टैच्यू एंड आई लव मुंबई तो है ही, आई लव अंधेरी, खासकर अंधेरी क्योंकि मैं अंधेरी कई बार आ चुका हूँ और कई बार आता हूँ मैं दिन में। मेरे सारे रिहर्सल ज़्यादातर शूटिंग करता हूँ यहाँ पर, तो इट्स अ प्लेस आई कम क्वाइट ऑफन। सो या वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे। थैंक यू सो मच। अमित जी आप क्या कहना चाहेंगे? बस आई वुड लाइक टू थैंक टाइगर जी फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड इनॉग्रेटिंग दिस स्कल्पचर अंधेरी वेस्ट, विच सिग्निफाइज एंड सिंबलाइजेस ऑल द ब्यूटीफुल वर्क दैट हैज बीन डन इन अंधेरी वेस्ट इन द लास्ट 10 इयर्स। थैंक यू वेरी मच। आनंद जी, आनंद सर आप क्या कहेंगे सर? आई एम वेरी हैप्पी कि अमित जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ये स्कल्पचर से काफी इंस्पायर होंगे और अंधेरी वेस्ट में उनका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है। The fact of the matter is that Ruben Nagi ji has conceptualized it and she has put together various works that we have done in Andheri West in the last 10 years and incorporated all those works together in one sculpture. And I think going forward, this hashtag Andheri West is going to stand for the development of Andheri West, is going to stand for the pride of Andheri West, is going to stand for all the changes and all the innovations that have happened in Andheri West as far as various civic facilities, infrastructure and also beautification of Andheri West is concerned. And I would like to thank her for conceptualizing this and gifting it to the people of Andheri West. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अच्छे काम करने के लिए आपको गिनना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है, आगे चलते जाना है। और क्योंकि मैं खुद जुहू में रहती हूँ और हमारे जो एमएलए हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है, आई एम नॉट सीइंग हिम नाउ, आई हैव बीन सीइंग हिम फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स एंड समबडी हु इज अवेलेबल टू हेल्प हिज पीपल इन द मिडल ऑफ द नाइट ऑल्सो आई थिंक कॉल्स फॉर अप्लॉड। एंड ये हमने जो आप स्कल्पचर आज आप यहाँ आई हैं आप देख पा रही हैं, इसमें आइकॉनिक स्पेसिस ऑफ अंधेरी एंड जुहू आर पेंटेड, हैंड पेंटेड, हैंड मेड, इट्स ऑल हैंड पेंटेड। तो हमेशा कुछ क्रिएटिविटी करने के इंस्पिरेशंस रहती हैं एंड आई थिंक ये अपने आप में यूनिक है बिकॉज दिस डिपिक्स एवरी कॉर्नर ऑफ अंधेरी जुहू विच इज़ बीन ब्यूटिफाइड ऑल द डिफरेंट गार्डन जी हैज डेवलप्ड ओवर दिस 51 इट्स 52 नाउ। सो आई थिंक इट्स अ सेंस ऑफ प्राइड एंड वी ऑल फील प्राउड that open spaces are being developed where everybody is making the city a concrete jungle. He is trying to give that open space to the residents, to children, to old people. So I think it's commendable. And aise aur sare bahut sculptures hum kare. Public art ko public tak lane ka main hamara aim ye rehta hai ki bahut sare log hain jo museum aur art galleries tak nahi pahunch pate, to hum art ko unke paas leke ja sake, unko uske bare mein bata sake, unko uske bare mein inspire kar sake. Vandalism bahut hota hai but slowly and gradually agar aap dekhengi jahan pehle zyada tootta tha ab kam tootta hai. So slowly and gradually we are moving towards that. Jo hum foreign countries mein dekhte itne acche acche installation aaj hum apne pure desh bhar mein dekh pa rahe hain. So I think kahin na kahin it's commendable in own self and जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे इंस्टॉलेशन स्कल्पचर्स के इनॉग्रेशन किए हैं जो हमने देखे हैं। सो आई थिंक इट्स ऑल टीम वर्क एंड अमित जी ने मुझे बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे दिया। आई थिंक इट्स ऑल टीम वर्क एंड वी वर्क टुगेदर एंड वी होप टू क्रिएट मेनी मोर आइकॉनिक प्लेसेस अक्रॉस इंडिया एंड इन जुहू अंधेरी मुंबई। अशोक सर आप क्या कहना चाहेंगे? अशोक नहीं आप सर, अगर दो वर्ड आप बोलिए ना, दो वर्ड देखिए भैया, काफ़ी खुशी है कि हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अमित साटम एज ए सिटीजन, हम लोग बहुत खुश नसीब हैं। बहुत अक्सर कम होता है कि आपको ऐसा रिप्रेजेंट मिलता है जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ के चीज़ों को क्रिएट करे। और रूबल जैसे एक अट्रैक्ट जो डिज़ाइनर हमारे आसपास भी है
उसके वजह से ब्यूटिफिकेशन ऑफ द एरिया काफ़ी आसान हो जाता है। घर में अगर कोई शख्स हो तो उससे कॉन्फिडेंस भी रहता है, और एक नहीं कम से कम इस शख्स ने 51 गार्डन बना दिए इलाके में उसके अपने कॉन्फिडेंसी में। मुझे नहीं लगता कि ये नंबर्स कहीं भी आपको देखने को मिलेंगे। इलाकों में ओपन स्पेसेस, गार्डन्स, सड़कें, ये सारी चीज़ें जो है, ये जब तक आपका रिप्रेजेंटेटिव पूरी तरह से नहीं होता है तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव सच पीपल लाइक अमित एंड पीपल हुई थैंक फॉलोइंग है हमारे एक्टर दैट्स व्हाई टाइगर श्रॉफ वाज हियर टुडे एंड वी आर थैंकफुल टू हिम दैट ही केम। ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द क्रिएटेड वर्क बाय अमित एंड रुबल जी एंड ऑल्सो आनंद पंडित हु ऑल्सो इज अ सिटीजन ऑफ जू वॉज पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोग्राम ऑफ आस। मजदूरों के मांगे बढ़ती जा रही है आज का आज इसका मजा ले लो। मैं जनता को मैं जनता को यही कहूँगा कि आपने आपके साथ सहकार और आशीर्वाद हमारे साथ में जिस प्रकार से रखे है आने वाले समय में भी आप उसे उसी प्रकार से बरकरार रखे, ऐसी विनती मैं जनता को करना चाहूँगा। आगे की बहुत सारी योजनाएं हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। देर इज़ गोइंग टू बी अ मल्टी फैसिलिटी यूटिलिटी इन जुहू, देर इज़ गोइंग टू बी अ लेजर एंड अ साउंड शो एट अंधेरी वेस्ट बीच, देर इज़ गोइंग टू बी अ हॉकर्स प्लाजा, अंडरग्राउंड हॉकर्स प्लाजा। या अंधेरी स्टेशन के परिसर में हमारे जितने भी हॉकर्स है वो सारे हॉकर्स को एक ही हॉकर्स प्लाजा में रिहैबिलिटेट किया जाने वाला है, और आने वाले 2 महीने में मुंबई महानगर पालिका की ओर से उसका टेंडर जो है वो निकालने वाले हैं। उसका अप्रूवल ऑलरेडी हो गया है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे हॉकर भाई यहाँ पर उपस्थित है, और अंडरग्राउंड हॉकर्स प्लाजा भी एक हमारा प्लान है। ऐसे बहुत सारे, एक एड्यूटेनमेंट पार्क, थीम पार्क, इंटरनेशनल लेवल का एड्यूटेनमेंट थीम पार्क ये डी एन नगर एरिया में बनने जा रहा है। तो आने वाले समय में ये 4-5 प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत ही प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि व्हाट अंधेरी डस टुडे मुंबई इज गोइंग टू डू इट टुमारो।